गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग में चैप्टर 9 कर रहे थे बच्चों। तो चैप्टर 9 में हमने क्वेश्चन नंबर 1-5 सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6-10 कैसे सॉल्व करेंगे, वो किस रीजनिंग पर बेस्ड, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे ब्रेक द कोड्स, आपको कोड्स को तोड़ना है। जैसे देखिए, ये आपके पास एक टेबल गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है कि 0 को हम ऐप बोल रहे हैं, 1 को ए, 2 को वी, 3 को जे, 4 को आई, 5 को एच, 6 को सी, 7 को डी, 8 को ई और 9 को जी, ओके। इस तरीके से हमने इसके कोड डिसाइड कर लिए हैं, F A B G I H C D E G। अब कुछ कंडीशंस इसमें गिवन है, क्या है कंडीशंस? इन केस फर्स्ट नंबर इज, सपोज आपको कोई भी ऑर्डर दिया गया और उस ऑर्डर में पहला नंबर अगर ऑड है, क्या है पहला नंबर? ऑड, देन इट इज टू बी कोडेड एज Y। तो अगर पहला नंबर ऑड है, जैसे पहला नंबर आपका 1 है या 3 है या 5 है या 7 है, फर्स्ट नंबर है, अगर फर्स्ट नंबर उस जो सीक्वेंस का या जिसका कोड आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, अगर उसका फर्स्ट नंबर ऑड है तो उसको हम वाई कोड करेंगे। क्या कोड करेंगे? वाई। चाहे सपोज जैसे 5 आया, फर्स्ट नंबर 5 आया, उसे हम बोलते हैं एच, कोड उसका क्या है? एच। लेकिन हम उसको कोडेड कैसे करेंगे? वाई से, क्योंकि फर्स्ट नंबर है तो वाई होगा। अगर सपोज कहीं बीच में 5 आ रहा है तो उसको हम एच से ही कोड करेंगे, ठीक है। सेकंड केस क्या गिवन है आपको? इन केस लास्ट नंबर इज इवन, अगर लास्ट नंबर जो है, जैसे आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ये इवन है, कैसा है ये? इवन, देन इट इज़ टू बी कोडेड एज एक्स। तो इवन नंबर को हम एक्स से कोड करेंगे, जैसे 8 है, 4 है आपका, 6 है, अगर लास्ट में 6, 4, 2, 8 आ रहा है तो उसको हम एक्स कोड करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इन केस आइदर 4 और 9, सपोज 4 हो या 9 हो, इज इन बिटवीन द नंबर, अगर 4 और 9 नंबर के बीच में है, सपोज कोई भी आपको कोड दे दिया, जैसे 5, 6, 7, 2, 8 ये कोड दे दिया आपको, अब उसमें बीच में, जैसे आपका 20 में तो आ नहीं रहा, सपोज ऐसे दे दिया 2, 4, 5, 3, तो 2, 4, 4 आपका नंबर्स के बीच में आ रहा है तो उसको हम जेड मानेंगे, 4 आए या 9 आए तो उसको हम क्या मानेंगे बच्चों? जेड। क्या मानेंगे? जेड, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है 3, 9, 8, 7, 5, 6, इसका आपको क्या बताना है? कोड। क्या बताना है इसका? कोड। पहले हम नंबर के अकॉर्डिंग जिनके कोड हैं उन कोड को लिख लेंगे। 3 को क्या है? जे, 9 जी, 8 ई, 7 टी, 5 एच, 6 सी। क्या हो गया इसका कोड? जी जे जी ई डी एच सी, ये इसका क्या हो गया बच्चों? कोड हो गया, ठीक है। अब हमने कुछ कंडीशंस थी कि पहला नंबर अगर ऑड होगा, पहला हमारा ऑड है तो ऑड वाले नंबर को हम क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे, अगर पहला नंबर ऑड होगा तो वाई। क्या लिखेंगे? वाई। तो हमारा जे क्या बन गया? वाई, ओके। अब क्या है इसमें? 6 वाला क्या है बच्चों? इवन। तो सी वाला क्या बन जाएगा आपका? एक्स। क्या बन जाएगा? एक्स। अब आगे देखिए बच्चों कि 9 हमारा बीच में आ रहा है ना, अभी हमने क्या पढ़ा था? 4 और 9 अगर नंबर्स के बीच में आएगा तो हम उसको जेड से डिनोट करेंगे। तो 9 तो जी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? जेड। और बाकी सारे कोड ऐसे ही लिखे रहेंगे। तो इसका कोड क्या हो गया? इसको हम कोड क्या बनाए इसके लिए? वाई जेड ई डी एच एक्स, वाई जेड ई डी एच एक्स। कोड क्या हो गया 3, 9, 8, 7, 6 का? ये, ठीक है। अब इस तरीके से बच्चों आप ये सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ओके।
अब अगला देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 11 to 15 देखिए किस तरीके से करने हैं। द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर कोडेड एज फॉलोज। जैसे 0 से लेकर 9 तक इस तरीके से ये कोडेड है। जैसे इसको हम 5 बोलते हैं, इसको हम अपवर्ड एरो बोलेंगे, इसको हम डॉलर बोल सकते हैं, इसको हम ईटा बोलते हैं, इसको बोलेंगे, इसको स्टार बोल सकते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, इसको भी स्टार बोल सकते हैं, इसको डाउनवर्ड एरो। ठीक है, आपको अगर नेम नहीं पता है कोई बात नहीं है, जिसके पता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखिए आगे समझते हैं। देखिए जैसे व्हाट इज़ द कोड फॉर सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब आपको इन दोनों का सम करके जो नंबर्स आए फिर तो उसका कोड बताना है। तो देखिए पहले हम इसको सम करेंगे। 6 7 8 9 0 5 4 3 2 1। ओके, क्या ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड किया, 1 9 और 2 11, 1 कैरी, 8 और 9 8 और 1 9 9 और 3 12, 2 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 6 और 5 11 और 11 और 1 12। ओके, इनका सम क्या आ गया, 1 2 2 2 1 1। ओके, अब मुझे इसका कोड ही तो बताना है, तो 1 को हम क्या बोलते हैं, 1 को हम टाउन अपवर्ड एरो, ठीक है, 2 को डॉलर, इस तरीके से, फिर इसको भी यही, इसको भी यही, 1 को अपवर्ड एरो, 1 को अपवर्ड एरो, तो इसका कोड ये हो गया। ठीक है, इसका कोड ये हो गया। आगे देखिए, अब जैसे आपको ये कोड गिवन है, ये सिंबल्स आपको गिवन है, अब आपको इसका कोड बताना है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोल रहे हैं हम, 3, इसको 2, आप टेबल में देखिए, इस वाले स्टार को 5, इस वाले स्टार को 8 और इसको हैश को 4, तो इसका कोड क्या हो गया, 3 2, और ये क्वेश्चन मार्क और है तो क्वेश्चन मार्क हो 6, इसका कोड क्या हो गया, 3 2 5 8 4 6, क्या हो गया इसका कोड, 3 2 5 8 4 6। ओके, देखिए बच्चों अगली रीजनिंग क्या है कि अगर हम GARMA गर्मा को हमने कोड किया है 7 2 5 3 2 में, 7 2 5 3 2 में, टीना को हमने कोड किया है 6 4 8 2 में, 6 4 8 2 में, तो आपको बताना है मार टीना को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए जी को 7, ए को 2, ऐसे तो कोड किया गया है, जी को 7, ए को 2, आर को 5, एम को 3, और ए को तो 2 हमने लिख चुके हैं, टी को हम 6, आई को 4 और एन को 8 और ए को फिर अगेन 2। ठीक है, तरीके से है ना बच्चों। अब आपको किसका कोड बताना है, मार्टिना का, तो वेरी इजी, बहुत इजी है। एम को क्या बोल रहे हैं हम, 3, एम को कोड किया गया है 3, ए को 2, आर को 5, टी को 6, आई को 4, एन को 8 और ए को अगेन 2। ठीक है, इसका कोड क्या हो गया बच्चों, 3 2 5 6 4 8 2, क्या हो गया, 3 2 5 6 4 8 2। आई बात समझ में आपको, इसी तरीके से आपको न से अल्फाबेट्स आपको कोड दिए गए होंगे, बस आपको निकालना है जी को क्या बोल रहे हैं हम, ए को क्या बोल रहे हैं, आर को क्या कोड किया गया है, एम को क्या कोड किया गया है, फिर इन द सेम वे आप इसी को उसी में कोड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बुक में क्वेश्चंस गिवन हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों ये क्वेश्चंस आपको गिवन है ना। अब जैसे ये है मशीन को हमने ये कोड किया है, तो चेन को क्या कोड करेंगे, तो एम को हम 19 बोल रहे हैं, ए को 17, सी को 9, एच को 14, आई को 15, एन को 20 और ई को 11। ठीक है, तो चेन को क्या बोलेंगे हम, सी को हमने क्या बोला 9, सी को हमने 9 बोला तो 9, एच को हमने क्या बोला 14 तो 14। ओके,
ए को हमने क्या बोला 7, आई को 15 और एन को 20, तो इसका कोड क्या हो गया 9, 14, 7, 15, 20। आई बात समझ में? इसी तरीके से आपको ये पूरी करनी है। ओके बच्चों, तो बाय बाय बच्चों, आज आपको रीजनिंग अपना चैप्टर 9 पूरा कंप्लीट करना है। ओके।